हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों आज का ये वीडियो कोई भी रेगुलर जो टेक वीडियोस हम बनाते हैं वैसे नहीं है। आज के वीडियो पे मैं बस शेयर करने वाला हूँ कि YouTube के तरफ से मेरे को फर्स्ट पेमेंट मिला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, आपको पता चलेगा कि कितना पेमेंट मेरे को आया है YouTube के तरफ से फर्स्ट पेमेंट। एंड उसके साथ साथ जो लोग भी नए हो इस चैनल पे, जो नए फैमिली मेंबर हो हम लोगों का टेकमेरिन फैमिली का, उन लोगों को मैं अपना जो स्टोरी है, अपना जो ये जर्नी है इस टेकमेरिन का, वो छोटा सा एक स्टोरी शेयर करूँगा। और उसके साथ बताऊँगा कि ये जो फर्स्ट पेमेंट आने के टाइम लोग बताते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होता है, वो सच में मेरे को हुआ कि नहीं, या क्या चक्कर है उसके अंदर, सारे चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो पे हम क्लियरली बात करेंगे। तो बेसिकली एक जनरल टॉक वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैं बस अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो ओपिनियन है, सारे चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को, जो लोग पुराना मेंबर हो इस चैनल का उन लोगों को तो पता ही है, बट जो नए लोग उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि 25th of January मैं अपना ये चैनल को स्टार्ट किया था। एंड उससे पहले मेरा एक व्लॉगिंग चैनल था, बट ड्यू टू सम रीज़न आई स्टॉप दैट चैनल एंड आई ओपन दिस चैनल। उसके बाद धीरे धीरे काम करता रहा मैं, बट बहुत दिन हो गया मेरे को इस चैनल पे कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रहा था। मतलब लगभग मैं जून तक, 2020 का जून तक मैं इस पे लगातार काम करता रहा, बट कोई भी मेरे को ग्रोथ वगैरह या कोई भी रिजल्ट मेरे को नहीं मिल रहा था। सच बताओ तो एक टाइम पे बार बार लगता था, बहुत बार ऐसा हुआ है, डिमोटिवेट हो गया हो और मेरे को लगा कि नहीं चलो अब ये चैनल को मैं क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा है। बट अचानक से जून के महीने में, वो मई जून के महीने में जब ये लॉकडाउन चल रहा था, तब जाके अचानक से इंडिया चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम अराइज हुआ, उसी के चलते मेरे कुछ दोस्त लोग ने मेरे को बोला भाई फिर काम कर, अभी इंडिया चाइना का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशंस है उसका एक इंडियन ऑल्टरनेटिव के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर। तो सबसे पहले उन लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि कैम स्कैनर जो एप्लीकेशन है, चाइनीज़ एप्लीकेशन, उसका एक इंडियन ऑल्टरनेटिव बता, देख क्या चलता है, अगर चलता है तो ठीक है, इतना दिन से तो चैनल ऐसे ही मरा हुआ है तो थोड़ा ट्राई तो करते हैं। मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली यह क्या हुआ मेरे को पता नहीं, कैम स्कैनर का जो वीडियो है वो वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अभी शायद 40,000 से ऊपर या 40,000 के आसपास है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं उसका व्यूज़ कितना है। तो उसके बाद से मैंने कंटिन्यूअसली चाइनीज़ जितने भी एप्लीकेशन है उसका अल्टरनेटिव, चाहे वो इंडियन अल्टरनेटिव्स हो या किसी भी अलग देश का अल्टरनेटिव्स हो, वो सारे एप्लीकेशन के ऊपर जो है वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और धीरे 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 मेरा जो चैनल है वो ग्रो करने लगा, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिला, लोग सपोर्ट किए, और फाइनली जाके 9th of June 2020 को मेरा ये जो चैनल है ये मोनिटाइज हुआ। याद रखना डेट 9th of June 2020। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने काम करते रहे, जब तब भी 4000 आवर्स कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा, फिर 24th of June को जाके मेरा जो है 4000 आवर्स कंप्लीट हुआ, चैनल मोनिटाइज हुआ, वीडियो पे ऐड आना स्टार्ट हो गए। फर्स्ट डे जब मैंने अपना वीडियो चलाया, मैंने देखा मेरे वीडियो पे ऐड आना स्टार्ट हो गया, तब लगा कि हाँ चलो अब थोड़ा सा एक सक्सेस जो है वो मिल गया। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, सक्सेस का कोई भी डेफिनेशन नहीं होता है। आपको हो सकता है एक दिन लगे कि ये सक्सेस है, बट वो सक्सेस नहीं, वो बस एक हर्डल था, उसको आप पार कर गए, अब नेक्स्ट हर्डल के लिए तैयार होना है। फिर धीरे धीरे वीडियोस जो है वो काम वो चलने लगा, लोग देखने लगे, फिर मैंने विडमेट के ऊपर वीडियो बनाया, वो वीडियो का जो कहानी है, रात को दोपहर 12 बजे की जगह मैंने रात को 12 बजे डाल दिया, और मेरे को लगा कि अब तो गया ये वीडियो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज यूट्यूब का एक रूल है कि फर्स्ट एक घंटा के अंदर आपका कितना एंगेजमेंट हो रहा है वीडियो के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका वीडियो जो है यूट्यूब आगे पुश करता है, एंड 24 आवर्स के अंदर आपका वीडियो जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर भी आपका वीडियो जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा कि नहीं, ये भी यूट्यूब तय कर लेता है। तो मेरे को लगा कि नहीं भाई अब तो ये हो नहीं वाला है, मतलब अब मैंने तो छोड़ ही दिया उम्मीद कि ये वीडियो मेरा गया, एक वीडियो मैंने बनाया इतना ढूंढ ढूंढ के विडमेट का अल्टरनेटिव वो तो गया। बट फिर मैंने उस वीडियो को अब मैं अपना काम करता रहा, मैंने देखा ही नहीं कि वीडियो पे कितना व्यूज़ आ रहा है, क्या हो रहा है, बस मेरे को बस दिमाग में यही था कि अब भाई चलो मेरा जो है उस पर एड्स वगैरह चल रहा है तो इनकम थोड़ा बहुत तो हो रहा है, बट मेरे को पता था कि इनकम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, बट फिर भी चलो ठीक ठाक हो रहा है। और देखते देखते शायद लास्ट मंथ मैंने वो विडमेट वाले वीडियो पे 1,00,000 जो है व्यूज़ कंप्लीट किए, बहुत सारे वीडियोस पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने लगे, फिर एट लास्ट जाके 23rd of October को मेरा जो है फर्स्ट पेमेंट आया है। अब फर्स्ट पेमेंट आने के इतना दिन बाद में क्यों वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया था
अब यहाँ पे बात बता देता हूँ कि लोग जो बोलते हैं कि जब आपका फॉरेन पेमेंट आता है, बैंक आपको बुलाएगा बोलेगा क्यों आपका फॉरेन पेमेंट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, फर्स्ट डे जब मैं स्विफ्ट कोड लेने के लिए गया था अपने बैंक के अंदर, जो बिजनेस बैंक पे मेरा पेमेंट आया है, वहाँ पे मेरे को कुछ बात पूछा था कि भाई आप क्यों स्विफ्ट कोड मांग रहे हो, क्या है क्या नहीं, तो मैंने उसको पूरा चीज़ समझा दिया। अब देखो, पहले का जो टाइम था उस टाइम भी YouTube इतना पॉपुलर नहीं था, बट नाउ YouTube इज़ सो मच पॉपुलर। सबको पता है कि YouTube से वीडियो बनाने से इनकम होता है, तो बैंक वालों ने भी मेरे को उतना मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं किया मैंने बैंक पे, वो लोग सीधा सीधा मेरे को स्विफ्ट कोड दे दिया। मैंने अपने एडसेंस अकाउंट पे जो है स्विफ्ट कोड वगैरह डाल के अपना जो बैंक डिटेल्स है वो सारा चीज़ मैंने अपडेट कर दिया, और फाइनली जाके 23rd of October को मेरा जो है पेमेंट आया। बट पेमेंट आने के बाद भी मेरे को कुछ कन्फ्यूशन हुआ था, बिकॉज जो पेमेंट था वो मेरा किसी दूसरे अकाउंट पे आया था, तो रिलीज होने में प्रॉब्लम हो रहा था, ये मेरे को लगा। बट एट मतलब फाइनली वो जो है वो सारी चीज़ कंप्लीट हो गया है, और कुछ दिन पहले मेरे को पता चला कि मेरा जो है पेमेंट वो सही सलामत मेरे पास 23rd October को ही पहुँच गया था। अब मेन बात है कि लोग जो सोचते हैं कि पेमेंट जब आता है, देखो भाई सिंपल सा बात बता दो, जब गूगल एडसेंस रिलीज करता है, जब आपके बैंक पे आता है, उसके बीच में भी किसी किसी बैंक का एक इंटरमीडिएटरी बैंक होता है जिसके थ्रू वो इंडियन बैंक के अंदर आता है, तो वहाँ पे कभी कभी होता है कि कुछ बैंक है जो पूछता है कि क्यों, कहाँ से आपका ये पेमेंट आया, क्यों हुआ ऐसा, इतना पेमेंट क्यों वगैरह वगैरह बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। बट ये पहले पूछता था, बट अभी के टाइम पे ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर बैंक नहीं पूछते, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कि बैंक वालों को पता चल गया है कि यूट्यूब से पेमेंट आते हैं, तो वो लोग तुरंत ही उसको रिलीज कर देता है। तो जिन लोगों का भी अभी अभी जो है मोनिटाइज हुआ है चैनल, वो लोग प्लीज़ ध्यान से अपना जो है बैंक वगैरह जो है वो अच्छे से देना, और कोशिश करना कि कुछ प्राइवेट बैंक वगैरह जो है उस पर देने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक जो है उस पर थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करते हैं, कहीं पे भी अगर कोई भी आपका जो छोटा सा लूपहोल रह गया तो बहुत दिक्कत होने वाला, आपका पेमेंट वगैरह जो है उसके लिए बहुत दूर इधर उधर जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलूंगा कि हाँ, ऐसा बात नहीं कि आप गवर्नमेंट बैंक पे दे नहीं सकते, बट मैं बोलूंगा कि प्राइवेट बैंक पे दोगे तो वो फटाफट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी प्राइवेट बैंक के थ्रू ही करता है, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करता, अगर सारा डॉक्यूमेंट्स आपका ठीक रहा और आपका जो मनी है वो एकदम क्लीन मनी है, तो ऑब्वियस बात है कि गूगल से आपका पैसा आ रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, वो सीधा सीधा वो लोग उसको रिलीज़ कर देते और आपके अकाउंट पर आ जाता है। तो ये है टोटल कहानी मेरा 1 साल 10 महीना का जो है ये यूट्यूब जर्नी का। अब देखो भाई, बात ऐसा है कि जून 9th को मेरा चैनल जो है मोनिटाइज, मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, एंड 24th of June को जाके मेरा चैनल जो है मोनिटाइज हुआ, 24th-25th के आसपास, और मेरे को पेमेंट मिला 23rd October को। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब आप समझ रहे हो लगभग 4 से 5 महीना हो गया मेरा फर्स्ट पेमेंट आने के लिए। देखो दोस्तों, ऑब्वियस बात है ये छोटा चैनल है, व्यूज़ कम आता है, जिन लोगों का लाखों लाखों व्यूज़ आते हैं उन लोगों का तो फटाफट से आ जाता है, बट मैं खुश हूँ अपने काम से, मैं खुश हूँ अपने व्यूज से, मैं खुश हूँ जितना भी पैसा मेरे को यूट्यूब से मिला है। देखो भाई, 1.5 साल जब आप मेहनत करते हो, 2 साल के आसपास मेहनत करते हो, और फाइनली जाके जब आपको यूट्यूब से कुछ मिलता है वो बहुत बड़ा बात होता है। कितना भी कम पैसा हो, कितना भी ज़्यादा पैसा हो, उससे कुछ मैटर नहीं करता है, बट फर्स्ट टाइम अगर अब यूट्यूब से कुछ मिल रहा है ना आपको, वो बहुत बड़ा खुशी है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोगों को भी ऐसा ही खुशी मिलता है जब आप यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट को एक्सेप्ट करते हो। अब बात है कि मेरे को YouTube से कितना पेमेंट मिला है। बहुत दिन से बहुत सारे लोग मेरे को क्वेश्चन किया था कि भाई आपका पेमेंट आ गया कितना आया है। देखो भाई, सिंपल सा बात है, मैंने बहुत सारे वीडियोस पे भी अपना जो है अर्निंग शो किया है कि पर्टिकुलर उस वीडियो के अंदर अर्निंग कितना हुआ है, तो मेरे को अर्निंग बोलने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं अर्निंग वगैरह नहीं बताते। देखो भाई, मैं तो लाखों पे कमा नहीं रहा हूँ, तो मेरे को बोलने में उतना टेंशन भी नहीं है। सीधा सीधा बात बता दूँ, मेरे को गूगल से $109 मिला है, $109 मेरे को मिला है, तो लगभग इंडियन मनी पे आप कन्वर्ट करो तो 7900 के आसपास जो है वो मेरे को मिला है YouTube के तरफ से, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पेमेंट। आप पता नहीं कि इस महीना पेमेंट आएगा कि नहीं, क्योंकि इस महीने में मैं उतना अच्छे से वीडियो वगैरह नहीं दे पा रहा हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है मेरा उतना। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन आप लोगों के लिए एक एक वीडियो बना देने का। कभी कभी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है, कभी कभी हो रहा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, बट एट लास्ट इतने बड़ा वीडियो बनाने के बाद भी, पता नहीं कितना लंबा हो गया ये वीडियो, बट आप लोगों से बस इतना ही मेरा हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि 5000 सब्सक्राइबर्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करो। आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली बदले में मैं तो आप लोगों के लिए कुछ करूँगा ही करूँगा। मैं पहले से ही बोलते आया हूँ कि जब तक मेरा 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं गिव अवे वगैरह स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा।
बट इस पे इसके बीच में भी मैंने बहुत सारे गिव अवे को किया है, बट आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि ऐसे सपोर्ट करते रहो और वीडियोस वगैरह जो है उसको लाइक करो, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे, आप जितना कमेंट करोगे, मेरे को उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और नया नया वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊंगा। और उसके साथ साथ दोस्तों प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बिकॉज लोग आके वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। नहीं तो आप समझ रहे हो ना कि 100,000 जब एक वीडियो पे व्यूज़ है बट अभी भी सब्सक्राइबर 5,000 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि लोग आके वीडियो देख के निकल जाते, वीडियो लाइक भी करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों नीचे सब्सक्राइब बटन एकदम फ्री है, बगल में बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस करके रखो, क्योंकि मैं हर दिन नया नया वीडियो डालता हूँ तो एक दिन भी मिस कोशिश करता हूँ मिस ना करने का। जब तक मेरा तबीयत ठीक है, जब तक मैं हालत में हूँ आप लोगों के सामने खड़े होकर वीडियो बनाने में, तब तक मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। और मैं पहले भी बोलते आया हुआ आज भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जितने भी प्रॉब्लम्स है आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपका जो है उसके क्वेश्चन का आंसर देने का। अगर वो क्वेश्चन का आंसर मैं ऑब्वियसली टेक्स्ट के माध्यम से ना दे पाऊँ तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना के दे देने का। मैं हमेशा तैयार हूँ आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करो और हम लोगों को आगे बढ़ना है, इस टेकमेरिन फैमिली को बहुत बड़ा बनाना है। मेरा बहुत सारा सपना है इस टेकमेरिन को लेके, इस यूट्यूब को लेके, बस आप लोग सपोर्ट करोगे तो हो सके मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है इस चैनल को लेके वो कंप्लीट हो जाए। और बस इतना ही बोलना था। और अगर अभी तक आप लोगों ने थोड़ा पेशेंस रखी इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो आप लोगों से फिर से धन्यवाद। आप लोगों के लिए आज इतना दूर तक पहुँचा हूँ। टेकमेरिन फैमिली अब 5000 सब्सक्राइबर्स का होने ही वाला है, बस आप लोगों से सामने बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और कुछ नहीं चाहिए, और मैं आप लोगों के लिए ऑब्वियसली हर दिन नया नया वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो की इधर ही ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसके लिए मेरे तरफ से माफ़ी। और मैं कमेंट बॉक्स वगैरह का भी सोच रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि मेरे को संडे कमेंट बॉक्स वगैरह कुछ बनाना चाहिए कि नहीं। और ऐसे भी मैंने एक 10 Days 10 Facts का एक चैलेंज स्टार्ट किया है, तो आज शाम को भी आप लोगों को एक टेक फैक्ट्स का वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे 10 टेक फैक्ट्स देखने को मिलेगा नए नए। तो उम्मीद करूंगा ये जो छोटा मोटा कोशिश है आप लोगों को पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो चलो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।